हेलो दोस्तों, राणा क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको केंद्र और राज्य संबंध से सिविक्स पोर्शन के ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे जाते हैं 64वीं बीपीएससी में भी और बीएसएससी जो एग्जाम होने वाली इंटर लेवल उसमें भी पूछे जाने की संभावना। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आ रहा, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो एक का क्या हो जाएगा, डी में दिया हुआ है, सातवीं अनुसूची में हो जाएगा। तो सातवीं अनुसूची में जिस तरह वैधानिक शक्ति का बंटवारा है वो किस में है, सातवीं में। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में दिए गए निम्न वक्तव्य में कौन सा सही है? तो कौन सा सही, शक्तियों का विभाजन क्या है, तीन सूचियों में किया गया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में किया गया है। तो दो का क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्यों के केंद्र के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तीन का ए हो जाएगा, एक दो तीन। तो क्या क्या हो जाएगा, राज्यों में सशक्त नेतृत्व का अभाव, दलीय अनुशासन लागू करना, राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कथन है, पहला ए जो है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए मांग बढ़ती जा रही है। दूसरा, राज्यों के पास विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो इसमें से चुनना है कि क्या ऑप्शन होगा, तो क्या होगा चार का, आपको बी हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघ सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा आपको, दो तीन और पाँच। कौन कौन हो गया, जेल, मध्य नीति और सिंचाई। उसके बाद आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर, चौदहवें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल एक सही है। इसमें केंद्रीय विभाजन पूल में जो कि राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% बढ़ाकर 42% कर दिया गया। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या है जो कि द्योति होता है, तो धोतित होता है। तो सात का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत अर्धसंघीय है। आठवां नंबर देखते हैं, सरकारी आयोग द्वारा की गई निम्न सिफारिश में कौन सी सिफारिश सही नहीं है? तो कौन सी सिफारिश सही नहीं है, तो ए हो जाएगा इसमें, इसने एक अंतर्राज्यीय सरकारी परिषद का गठन किया जिसमें प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उसके बाद नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय विवादों को निपटने में प्रभावी हो सकता है? तो नौ का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर गठित अंतर्राज्यीय परिषद। दस नंबर देखते हैं, संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अनेक प्रकार के कर एकत्रित करती है जो इस राज्य सरकारों के साथ बांटने पड़ते हैं, इन करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित तौर करने का संविधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, दस का वी हो जाएगा, वित्त आयोग को है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, क्या क्या चीज़ से प्रभावित होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी से एक दो तीन चार हो जाएगा, डी नंबर। संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, राजनीतिक हितों की एकता से। अब बारहवां नंबर देखते हैं, केंद्र तथा राज्यों की मत शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्ति के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बारह का डी हो जाएगा, 245 और 246। तेरह नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो ये पूछा भी है कई बीपीएससी में, तो तेरह का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, जनगणना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य सरकार संबंधों के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है? तो कौन सा हो जाएगा, चौदह का सी हो जाएगा, न्यायिक। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवशिष्ट अधिकार जिसका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया, निम्नलिखित में किसमें निहित होते हैं? तो किसमें निहित होते हैं, पंद्रह का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पंद्रह का बी में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हो जाएगा।
ये ऊपर चला गया तो बी हो जाएगा आंसर इसका। निम्नलिखित में कौन सी एक 14वें वित्त आयोग की सिफारिश नहीं है, तो 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पूर्ववर्ती वित्त आयोग की भांति क्षेत्र विशेष अनुदानों की सिफारिश की गई है। 17 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन से जो कि सुमेलित हैं, तो कौन सा सुमेलित है, 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 में क्या है, शुल्क औषधि और सौंदर्य प्रसाधनों संघ द्वारा आरोपित परंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित होते हैं। दूसरा, कृषि संपदा के अतिरिक्त संपदा उत्तराधिकार शुल्क संघ द्वारा आरोपित एवं संग्रहित परंतु राज्य द्वारा अपरिमित होता है। और चौथा क्या है, प्रसार से प्राप्ति संघ का गैर कर राजस्व है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संघीय व्यवस्था का सही चित्रण करता है, तो 18 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारतीय संघ संस्थागत होने की तुलना में व्यवहारिक अधिक है। 19, समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि बी हो जाएगा, अधिक सर्वोच्च न्यायालय ऐसा है जो कि निर्णय ले ले। 20 नंबर, निम्न में से कौन सी सरकारी आयोग की अग्रणी सिफारिश है, 20 का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना। 21, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया है, तो क्या हो जाएगा 21 का, ए हो जाएगा, संघीय सरकार को दिया है इसका। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 22 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, राज्यों के क्षेत्र में समान हितों के विषय में परामर्श देना। 23 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद में कोई भी कानून बना सकती है, कब बना सकती है, तो 23 का डी हो जाएगा, बिना किसी राज्य की सहमति से। 24 नंबर, क्षेत्रीय परिषद का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछता भी परीक्षा में, तो 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उस राज्य का मुख्यमंत्री जहाँ क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा संचालित होता है, तो 25 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। 26, अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत क्या है, तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शक्तियों का पृथकीकरण। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक नहीं कहा जाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुद्दुचेरी। 28, नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष हैं कौन है, तो राजीव कुमार है। यदि वित्तीय संकट की घोषणा की जाए तो इसका केंद्र व राज्यों के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 29 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन कम कर सकता है। 30 नंबर, भारतीय संविधान ने क्या किया है, 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐसे केंद्र की व्यवस्था की है जो साधारण में बहुत शक्तिशाली है, परिस्थितियों में कमजोर है परंतु संकट काल में बहुत शक्तिशाली है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 31 नंबर, राज्य सूची के दिए गए किसी भी विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 31 का, तो 31 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, डी इसका आंसर जो है वो उपयुक्त सभी मामलों में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा समझौते को लागू करने में यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे, कैसा करना राष्ट्रहित में है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को ऐसा करने का अनुरोध करे, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्न लक्षण कौन सा लक्षण सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, 32 नंबर का डी हो जाएगा, यह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें तो कौन कौन है जो कि सही है, तो किस तरह सुमेलित होगा, तो 33 का ये हो जाएगा, 3 है, राज्य सूची में कितने हो गए, 66 हो गए, और उसके बाद संघ सूची में कितने हो गए, 97, और संवर्ती सूची 47 हो गए, तो 3-1-2 हो गए, ये हो गया। 34 नंबर देखते हैं, 2 या उससे अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है, तो 34 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। संविधान के अंतर्गत क्या होते हैं, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अखिल भारतीय केंद्रीय व राज्य की है जो कि 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं का प्रावधान है।
छत्तीस नंबर निम्नलिखित तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो क्या हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन। तो उसके बाद 36 हो गया, तो ये 36 क्वेश्चन ही थे केंद्र राज्य संबंध से। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।